बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिकन ले लिया है मैंने बोनलेस आधा किलो। इसको मैं छोटे छोटे पीस में करूँगी क्योंकि समोसों में बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो काम आएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें चिकन को बिल्कुल मैंने छोटे क्यूब्स में काटा है ताकि हमें समोसों की फिलिंग में मुश्किल ना हो। इसको हम डाले में एक बॉल में डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान, आधा कप दही डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान, दही खट्टा ना हो इसका आपने ख्याल रखना है। आधा कप क्रीम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक टीस्पून भर के लहसुन का, एक टीस्पून भर के काली मिर्च, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया और नमक जो आप हसबे जायका डाल लें, मैं एक टीस्पून भर के डाल रही हूँ। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको मिक्स करके दो घंटे के लिए रख भी सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको मिक्स करके फौरी भी कुक कर सकते हैं आहिस्ता आँच पे, लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं इसको आराम से दो घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन दो घंटे के लिए आराम से रेस्ट दूंगी। एक पैन लिया है, उसमें मैंने जो चिकन रेडी किया था वो डाल दूंगी। इसको आहिस्ता आँच पे अब मैं कवर करके पकाऊंगी जब तक इसके जो पानी है वो सूख नहीं जाए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके वो भी डाल दूँगी। ये देखें, ताकि सारा मसाला जो है वो ज़ाया ना हो, अच्छे से मैंने चीज़ें डाल दी है अंदर। बिस्मिल्लाह, इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर लूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या कंडीशन हो गई है। दस मिनट के बाद ये देखें इसकी ये कंडीशन है। इसको मैं थोड़ा सा और पका के अब इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश कर लूंगी। चिकन का ये देखें बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो गया है। इसी में या इसको उतार लूँगी, ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चिकन का मसाला जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसको ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए मैंने दो एक खाने के चम्मच जो है वो क्रीम मैं इसमें और ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, इससे बहुत ही क्रीमी सा जो इसका जायका है वो इसका आएगा। बिस्मिल्लाह, चिकन हमारा समोसा स्टफिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको मैं करूँगी अब यहाँ तक, या चाहें तो यहाँ इसको स्मोकी सा फ्लेवर दे सकते हैं कोयले के साथ, लेकिन मेरी फैमिली में इतना स्मोकी फ्लेवर कोई पसंद नहीं करता तो इसलिए मैंने नहीं दिया। आप चाहें तो दे सकते हैं जी। फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है और ये मैंने सैलरी बनाई है। एक चम्मच मैदा लेके थोड़ा सा पानी डाला है और मैंने ना थिक है ना बहुत पतली है इसकी सैलरी तैयार कर ली है। अब इसको हम फिलिंग तैयार करेंगे। ये मंडा पट्टी जो रेडी बाज़ार से मिलती है वो मैंने ली है, ये आप देख लें। बहुत इजी फिलिंग है। सबसे पहले मैंने आपने एक साइड से इसको फोल्ड करना है, ऊपर सैलरी लगानी है। सैलरी आप फिंगर से लगाएं, चम्मच से लगाएं, किसी चीज़ से भी लगाएं। ये देखें बहुत ही जो सिंपल और आसान तरीका है फिलिंग का वो मैं आपको बता रही हूँ। और शेप बहुत अच्छी बिल्कुल बाज़ार की बनेगी, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने जो समोसे घर पर रेडी किए हैं। अब जो हमने मैदे की सैलरी तैयार की हुई है ये हम ऊपर लगाएँगे और अच्छे से इसकी फोल्डिंग करेंगे। एक भी चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आप फ्रीज़ हुए हुए समोसे तैयार निकाल के फ्राई करते हैं तो उनको एक दफ़ा थोड़ी देर पहले के निकाल के रख दें ताकि उनको जो बर्फ़ है वो थोड़ी सी पिघल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक दफ़ा तो तेज़ आंच पे, ये देखें कितनी अच्छी फिलिंग तैयार हो गई है। इस तरह आप सारे समोसे तैयार कर लें। और मैं बना के आपको दिखाती हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ फ्रोज़न समोसे जो है उनको कैसे फ्राई करना है, उसकी टिप मैं आपको बताती हूँ। उसको आपने क्या करना है, पहले निकाल के रखना है और एक दफ़ा आपने गरम ऑयल में डाल दें। उसके बाद आपने जो आंच है वो आहिस्ता कर देनी है। उसके बाद आपने तेज़ आंच पे उनको फ्राई नहीं करना, स्लो मीडियम फ्लेम पे उनको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करना है ताकि समोसे फ्रीज हुए हुए होते हैं तो अंदर से अच्छी तरह आपके समोसे हैं वो पक जाएँ।
ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आपने इसकी तैयार कर लेनी है और बहुत ही क्रंची और इस तरह तेज़ आंच पे पकाने से समोसे ढीले भी हो जाते हैं, अक्सर आपके ऐसे हो जाते होंगे। तो ये टिप आपने मेरी हमेशा याद रखनी है, आहिस्ता आंच पे आपने उसको फ्राई करना है। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा वॉइस ओवर दोबारा से स्टार्ट किया हुआ और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। इसको हम आप फ्राई करते हैं, ये फ्रेश मैं तैयार कर रही हूँ, तो मैंने गर्म ऑयल में डाले हैं, इस तरह गोल्डन कलर के आपने फ्राई करना है। और समोसे हमारे तैयार हैं, इनको आपने निकाल लेना है, देखो कितना ज़बरदस्त कलर आया है, ये बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त बने हैं। मैं आपको ट्राई देखते हैं, बहुत गर्म है, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। इसी तरह आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके समोसे कैसे बने हैं। बिल्कुल बाज़ार से भी बहुत अच्छे बने हैं, बाज़ार जैसे तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत अच्छे बने हैं। इस तरह आप बनाएं, बाज़ार से महंगे समोसे लाना बंद करें और घर पे बनाएं। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।